चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, आकांक्षा मिश्रा से, जो जिनके ऑल इंडिया रैंक 564 है और इनको एनआईटी जमशेदपुर अलॉट हुआ है, और आकांक्षा जो है गाजियाबाद से हैं। तो आकांक्षा, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। तो आकांक्षा के बारे में बताना चाहूंगा कि आकांक्षा ने ड्रॉप लिया था इन्होंने, पर फाइनल ईयर के साथ एग्जाम नहीं दिया था। तो आकांक्षा, क्या होता है कि हर बच्चा, ये जो सेशन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कई लोगों की लाइफ को चेंज कर देते हैं, और कई लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि उनसे कहाँ मिस्टेक्स हुई कहाँ नहीं। तो सबसे पहले कि आपको निमसेट का पता कब चला, कैसे सोचा, और पता चलने के बाद आपने कैसे एक्शन लिया, आपने ऑनलाइन रह के पढ़ाई करी, इतनी अच्छी रैंक अचीव किए, तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है मैं चाहूंगा वो आप पूरी बताएं। हाँ, जब मैंने फाइनल ईयर खत्म किया तो मुझे लगा था कि हाँ मुझे एमसीए करना है, लेकिन प्राइवेट से करूंगी या किस जेएनयू है, बीएचयू, उसका ही मैं सोचा था। लेकिन फिर मैंने ना आपकी एक वीडियो पढ़ी थी शायद बहुत पुरानी, जिसमें आपने एमसीए के बारे में बताया हुआ था, तो मैंने उसको देखा। फिर मैंने देखा एनआईटी के बारे में, तो मुझे सुन के काफी अच्छा लगा कि हाँ एनआईटी से करूंगी। फिर मैं सोच लिया करूंगी तो एनआईटी से, बाकी कहीं से नहीं करूंगी। तो फिर मैंने उसी से मुझे पता चला था, तो मैंने दिसंबर से पहले नवंबर में ज्वाइन की थी क्लास। आपको कॉल किया था मैंने, आपने मुझे बोला कि ये भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर लो, और तभी मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। उससे पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल निल। और दिसंबर में जब मैंने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री आपने स्टार्ट किया था, और वो इतनी से समझ में आई कि आग पहले से आई नहीं थी कभी भी, मतलब इतने बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शंस के, जो पहले 11th 12th में जो पढ़ा था ना वो ऊपर से गया था, मतलब क्या था कुछ नहीं पता था। डोमेन वगैरह तो उसी समय पता चली थी मुझे, और फिर उसके बाद धीरे सब कुछ पढ़ा, सब कुछ आई गया था। फिर लेकिन जब वो सबसे पहले बता मार्च में एग्जाम्स होंगे, उस टाइम तक ना, हाँ मई में, सॉरी मई में एग्जाम्स होंगे पता चला था, लेकिन उस टाइम तक मेरे किसी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट तभी किया था और मैं ट्यूशन से पढ़ाती थी, तो मेरे पास टाइम इतना था नहीं कि मैं कर पाऊँ, और भी घर के बहुत सारे काम होते थे, नहीं टाइम बचा था, तो इतना से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। लेकिन जब डेट एक्सटेंड हुई तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि हाँ अब मैं पढ़ लूंगी थोड़ा अच्छे से। और फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हुई, जब एक्सटेंड तो आगे हो गया, फिर मुझे लगा कि हाँ अब मेरा हो सकता है। फिर आपने इतने सारे टेस्ट किए, टेस्ट के पहले टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन जब डेट एक्सटेंड हुई, जब टेस्ट देना स्टार्ट किया, एनालिसिस किया, तो टेस्ट में मार्क्स आने भी स्टार्ट हो गए। एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे 700+ भी आने लगे थे। जब आपने बोला था ना कि टेस्ट पेपर के एनालिसिस कैसे करना है, आपने जब सिखाया तब आने स्टार्ट हुए, उससे पहले नहीं आते थे। लेकिन फिर जब एग्जाम हुआ, तो एग्जाम में क्या था कि पता नहीं कुछ तो हुआ, मेरे स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ गए, तो फिर समझ नहीं आया कैसे होगा, तो मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया था। लेकिन फिर आपने बोला कि हाँ एक बार सांस लो, पानी पियो, फिर करना स्टार्ट करो। अब उसके बाद किया मैंने, मैथ्स पहले छोड़ ही दिया था स्टार्टिंग में, मैं रीजनिंग में जंप करी, और रीजनिंग के मेरे 30 क्वेश्चन जब हो गए, तब मुझे लगा कि हाँ अब हो जाएगा। तो फिर वापस मैथ्स में आई, तो मैथ्स के भी क्वेश्चन हो गए थे, अब फिर इंग्लिश का भी ट्राई कर लिया था मैंने। बिल्कुल सही बात है आकांक्षा, क्या होता है जब कभी कोई चीज ना बने तो मूव करते रहना चाहिए। आकांक्षा, हाँ। अभी जैसे आपने एक बात बताई, एक तो आपने बहुत कम समय पढ़ाई की, एक तरह से आपने अक्टूबर नवंबर में जाके पढ़ाई स्टार्ट की, हाँ। और केवल ये 8 महीने की प्रिपरेशन है, पर अक्सर आपको क्या फाइनल ईयर तक आइडिया नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइनल ईयर के साथ देते हैं, तो आपने सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक आपको कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना आगे लाइफ में। हाँ सर, कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि एमसीए मतलब सुना ही नहीं था मैंने पहले। ओके, सुना कि हाँ ऐसा कोई कोर्स भी होता है, मैं सोचती मैं एमएससी कर लूंगी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था इतना करने का, ठीक है, बस नहीं था। बीएससी की थी लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं आया, फिर मैंने कहा हाँ बीएससी के बाद हम एमसी भी कर सकते हो, फिर एनआईटी से, मन तो था ही एनआईटी जाना, आईआईटी एनआईटी सुना ही था नाम मैंने, तो तभी मैंने चूज किया। फिर ये ऐसा होता है अक्सर, कई बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, तो वो आगे पीजी कोर्सेज करने की सोचते हैं, और फिर जब उन्हें पता चलता है तो कई बार वो मूव करते हैं। तो देखा जाए तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है वो बहुत शॉर्ट है, पर इतनी शॉर्ट जर्नी में भी आपने इतनी अच्छी रैंक लाए, क्योंकि पहले कई बच्चे होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर में ही पता चल जाता है, सेकंड ईयर में वो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, पर आपको ग्रेजुएशन करने के बाद ये पता चला, तो वो बच्चे जो कि कई बार सोचते हैं हम लेट हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। तो आकांक्षा, आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि जैसे आपको थोड़ा लेट पता चला और फिर आपने लेट सोचा, तो आपको उन बच्चों के लिए जो नॉर्मली जिनको अवेयरनेस की कमी होती है या जो लेट सोचते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? यही कि अगर जो बच्चे लेट सोच रहे हैं कि हाँ मुझे करना है, अगर उन्होंने सोच लिया तो फिर डेडिकेटली करते रहो और अपनी पूरा जितना भी एफर्ट है पूरा दो, और अगर सर सर से कनेक्टेड है वो तो पूरा गाइड करेंगे आपको, हर एक चीज देंगे, जो सर कह रहे ब्लाइंडली फॉलो करते रहो, और एग्जाम टाइम पे भी उसे टाइटली फॉलो करना, तो आपकी रैंक जरूर आएगी। चलो बहुत ही अच्छी बात है आकांक्षा,
तो आपने, अच्छा ये बताओ, जब आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया, अचानक आपने सोचा, जब वीडियो देखा इम्पीटस का और फिर आपने डिसीजन लिया, तो घर वालों का सपोर्ट या बाकी सब लोगों ने आपको कुछ गाइड किया, या सबने मतलब ये बोला कि नहीं नहीं ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसमें कोई स्ट्रगल या प्रॉब्लम आई आपको? नहीं, इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि घर वालों ने बोला कि अगर तुम्हें लेना है, एग्जिट करना है, तो कर लो, बस रिजल्ट होना चाहिए अच्छा, तो फिर यही था। तो चलो ये अच्छी बात है, आपके घर वालों का भी सपोर्ट था, आपने भी भले ही डिसीजन देर से लिया पर वो डिसीजन लिया, और उसके बाद आपने इतने कम समय मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक लाई। अब ऐसे ही एनआईटी में भी खूब अच्छे से परफॉर्म करो और आगे भी खुश रहो ऐसे ही। पर सर आपकी जो वर्ड्स होते हैं ना, वो अभी भी हेल्प करते हैं, जैसे कि सांस लेना, वो सबसे अच्छा था। मतलब मैंने शायद मुझे क्लैरिटी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी, क्लासरूम में आ गए वो भी तो क्वेश्चन स्टार्टिंग के, लेकिन फिर होने लगे थे। ये बात होती है, कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर आपकी जो लास्ट मिनट टिप्स थी वो बहुत काम आई, और ये टिप्स केवल लास्ट मिनट निमसेट के लिए नहीं थी, पूरी लाइफ लॉन्ग है। जब भी कभी कोई घबराहट हो रही हो, किसी चीज में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या प्रेशर में है, उस समय अपने आप को 2 मिनट रिलैक्स फॉर्म में छोड़ो, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसे मौके आप बहुत आएंगे, इसको आप हमेशा याद रखना, वो लास्ट मिनट टिप्स लाइफ टाइम टिप्स है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।